जय हिंद। जो भी बिहार पुलिस 84 से 15 के कैंडिडेट है उन लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बताइए, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होता है, यदि किसी के ऊपर FIR है या किसी के ऊपर कोई धारा लग गया है, कोई केस में फंस गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, क्या उसको ज्वाइनिंग करने में तकलीफ होगी, क्या उसका नौकरी नहीं हो पाएगा, इस तरह की तमाम सारी क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में क्रिएट हो रहे हैं। तो आज इस वीडियो में उसी के बारे में मैं क्लियर करने वाला हूं और इस वीडियो के बाद जो है आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ कोई चाहता है हमसे पर्सनली इंटरेक्ट होना तो आप जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे पास मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए इसमें इस वीडियो से रिलेटेड देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि आपका जब फाइनल मेरिट बन गया उसके बाद से आपको किसी भी चीज़ में छाटा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे हाइट चेस्ट वेस्ट मेंश्योरमेंट हो, इसमें आपको ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं इसमें कोई भी आपको छाटने वाला नहीं है, एक भी लड़का नहीं छटेगा, समझ रहे हैं ना, कोई छटता नहीं है। लेकिन फिर भी ये प्रोसेस का पार्ट है तो इसको आपको फेस करना है और इस और सारे लड़कों को इसमें इन्वॉल्व होना ही होना है, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन है जो है एक इम्पोर्टेंट किरदार निभाता है आपके ये वैकेंसी में, लेकिन यही है कि डिपेंड करता है कि किस लड़के पे, ठीक है, कौन से कैडेट पे ये काम करेगा और किसको तकलीफ होती है। तो सबसे पहले जान लो कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि जब आप योगदान देने जाइएगा उस समय जो है आपसे कुछ फॉर्म भी भरवाया जाता है, जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा मतलब आपका डॉक्यूमेंट्स जांच किया जाता है उस टाइम जो है कुछ फॉर्म भी वे लोग भरवाते हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्म भरवाते हैं उसमें से एक फॉर्म जो होता है डाउरी के लिए होता है, मतलब कि दहेज मैं नहीं लूँगा, इस तरह का एक फॉर्म भरवाएंगे। और सेकेंड नेक्स्ट जो होता है आपका एक फॉर्म जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग होता है, जिसमें तमाम सारे पॉइंट्स को मेंशन किया गया रहता है कि इसे जो है कुछ टिक लगाना रहता है, कुछ लिखना रहता है। तो उसी में जो है आपको दो चार पॉइंट जो मिलते हैं उसमें जो है जैसे कि किसी के ऊपर FIR है तो उसको उसमें मेंशन करना पड़ता है, किसी के ऊपर कोई धारा लगा है तो हो सकता है उसमें मेंशन करना पड़े, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी के ऊपर FIR हुआ है और वह सुलह हो गया है, मतलब कि कोर्ट के द्वारा उस फैसला को बरी कर दिया गया है, मतलब कि उसको ख़त्म कर दिया गया है, तो उसको भी वहाँ पे मेंशन वगैरह करना होता है। तो वही जो फॉर्म होता है आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके थाना पे भेजा जाता है, ठीक है। और वही थाना वाले जो होते हैं अगर आपके ऊपर कोई FIR रहता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपके घर वाले को इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, वहीं से अपना फाइल उल बना के भेज देते हैं। मतलब वही चीज़ है मैं आपको बताया कि जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। और एक चीज़ और छूट रहा है कि जब आप उस फॉर्म को भरिएगा पुलिस वेरिफिकेशन वाला, उसमें दो संभ्रांत व्यक्ति का नाम भी मांगता है, आपके गांव के मतलब पड़ोस के दो लोगों का नाम भी मांगता है, तो उसमें अपने चाचा का चाहे अपने बाबा का जो गाँव के होते हैं, घर के बगल के नहीं होते हैं, उनका आप लोग नाम दे दीजिएगा जो हमेशा गाँव में अवेलेबल रहते हैं। ये आपके कैरेक्टर को वेरीफाई करते हैं, मतलब कि ये जो लड़का है इस गाँव में इसका कैरेक्टर अच्छा है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब ही होता है आपका कैरेक्टर का वेरिफिकेशन। अदर जॉब में जाइएगा आपको, जैसे कि UPA पुलिस आप ज्वाइन करिएगा तो आपका कैरेक्टर का वेरिफिकेशन बहुत तरह से होता है, तो इसको मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको जानने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको आप तो जो है बिहार पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं, तो इसलिए आप बिहार पुलिस के बारे में समझिए। आपका जो कैरेक्टर का वेरिफिकेशन होता है बस एक पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आपका काम खत्म, आपका कैरेक्टर का वेरिफिकेशन हो गया। और अभी मैं बता रहा हूँ जो पिछली वैकेंसी है उस वैकेंसी का लड़का का कैरेक्टर वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है उसको पता नहीं है। अभी मैं 4-5 लड़कों से बात किया तो उनको पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपके ऊपर कोई FIR वगैरह रहता है तब भी आपको पता चलता है, अदरवाइज जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन करके भेज दिया जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। तो अब आप समझिए कि यदि आपके ऊपर कोई FIR वगैरह रहे तो आप क्या करिएगा। देखिए, अगर आपको ऊपर कोई FIR है, किसी केस उसमें फंसे हुए हैं, तो उसको लेके आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि आपका नौकरी नहीं होगा, आपका जो है आगे का प्रोसेस नहीं होगा, आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, ट्रेनिंग नहीं होगा, आपका सब कुछ होने वाला है। बस यही है कि आप वहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, ठीक है, आपके थाना में आएगा तो अगर उनको मामला संदिग्ध लगेगा तो आपको बुलाएंगे, आपके घर वाले को बुलाएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बस मेंशन वहाँ पे कर देना है। पुलिस वेरिफिकेशन में जनरली कोई बाहर नहीं निकलता है, वही है कि किसी के ऊपर कुछ हाई लेवल का धारा है, जैसे 302 हो गया, 374 हो गया, इस तरह की धारा लगी रहती है, तो वो जो होता है संदिग्ध के दायरे में आता है।
तो ऐसे भी जो लोग होते हैं या जिनके ऊपर नॉर्मली भी धारा रहता है, उनसे एक बॉन्ड भी भरवा लिया जाता है ज्वाइनिंग के समय, कि यदि फ्यूचर में आपको इस केस को लेकर जज के द्वारा कोई सज़ा सुनाई जाती है तो आपको इस नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और आपको जज के द्वारा सुनाया गया जो सज़ा है उस सज़ा के हिसाब से आपको जो है सज़ा दिया जाएगा। इस तरह का एक बॉन्ड भी भरवा लिया जाता है जिनके ऊपर FIR रहता है। तो जिनके ऊपर FIR है उनको ही थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिलती है, थोड़ी बहुत, वो भी ज़्यादा नहीं। बाकी जिनके ऊपर FIR नहीं है उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा उनको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप लोगों को परेशान नहीं होना है। पुलिस वेरिफिकेशन जब भी होगा, आपको क्या होता है ऐसे तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब भी होगा, मान लेते हैं पुलिस वेरिफिकेशन हुआ आपके थाने में, तो आपको जब बुलाया जाएगा तो आपको आना है आपके घर के एक अपने गर्जीवन को ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड जो भी है, पहचान पत्र एक ले लेना, मैट्रिक इंटर का एडमिट कार्ड लेना, वो खुद आपको बताएंगे कि ये चीज़ आप लेके आना, उसका वो लोग फोटोकॉपी जमा कर लेंगे और आपका सिग्नेचर कर लेंगे, बस हो गया, काम खत्म। अगर पुलिस वेरिफिकेशन आपका हुआ तब इतना आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ आपका ये जो है नौबत नहीं आएगी, ठीक है। वो खुद लोग क्या करते हैं कि अगर आपका मामला क्लियर है तो वहीं से लिस्ट बना के आपके जोन में भेज देते हैं, फिर जोन से आपका जो है मुख्यालय में चला जाता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर किसी को भी परेशान नहीं होना है, बस वहीं जब आपका फॉर्म भरवाया जाएगा, फॉर्म भर देना है, बात खत्म, वहीं समझ लेना आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया। मामला जिसका संदिग्ध रहता है उन्हीं को पुलिस जो है या तो थाना में बुलाती है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, या और भी ज़्यादा मामला संगीन है तो वो आपके घर पर भी जा सकते हैं। इस तरह से होता है। बाकी जिनके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है उनको कोई पूछता भी नहीं है, बस उनका अपने से ही लोग खुद बना के और भेज देते हैं, हाँ भैया ये लड़का जो है इसके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है, इसका कैरेक्टर बहुत बढ़िया है, ठीक है। और क्वेश्चन नहीं करना है, बस आप अपने जो है योगदान पे कंसंट्रेट करिए। आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन क्यूरी होगा, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन क्यूरी होगा, तो आप पर्सनली यार हमसे अपना जो भी है बड़ा भाई छोटा भाई समझ के पूछ सकते हो। आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको तमाम सारी सोशल मीडिया का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आके आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, अपना नंबर भी शेयर कर सकते हो, मैं आपसे कॉल करके बात भी कर लूँगा अगर आपका मामला कुछ अटपटा होगा तो, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे और आपका जो है अब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी नहीं होगा पुलिस वेरिफिकेशन से रिगार्डिंग। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद।